एवरीवन, मैं हूं शिखा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बिगनर्स क्रिएटिविटी में, जहां मैं आपके साथ शेयर करती हूं ब्यूटी एंड फैशन वीडियो। सो आज की मेरी वीडियो है थोड़ी सी डिफरेंट, जिसमें मैं आपके साथ कोई हॉल वीडियो शेयर नहीं करने वाली हूं। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि हम अपने बाल में डबल हेयर एक्सटेंशन कैसे यूज करेंगे, क्योंकि जब मैंने हेयर एक्सटेंशन की वीडियो डाली उस पर अभी तक कमेंट आते हैं कि मैम इनको किस तरह से यूज करना है, कैसे करना है। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि डबल एक्सटेंशन कैसे यूज करेंगे जिससे कि आपके हेयर बहुत ज्यादा थिक दिखें, और उनको यूज करके हम हेयर स्टाइल कैसे बना सकते हैं। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये देखिए दोस्तों, जब हम डबल एक्सटेंशन यूज करेंगे तो हमें दो एक्सटेंशन इस तरह के चाहिए जिसमें एक की लेंथ आपके हेयर से थोड़ी ज्यादा हो और एक की कम हो, सो दैट हम उन्हें ऊपर नीचे यूज कर सकें। जो ज्यादा लेंथ वाला है उसे हम बॉटम में यूज करेंगे, जो कम लेंथ वाला है उसे हम टॉप में यूज करेंगे। दोस्तों लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखिए, इस तरह की क्लिप्स होती हैं जिसके थ्रू हम इसे अपने हेयर में एडजस्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, किसी भी टेल कॉम्ब की हेल्प से हम अपने हेयर को सेपरेट करेंगे। वो मैं आपको दिखा दूंगी कि किस तरह से अपने हेयर को आपको सेपरेट करना है। मेरे पास टेल कॉम्ब नहीं है, इसलिए मैं ब्रश की बैक साइड यूज कर रही हूं दोस्तों। सो उसके लिए इस तरह से आप एक साइड से लेंगे, जस्ट अपने ईयर के साइड से। तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल सेपरेट करके हम उस पोर्शन को ऐसे पकड़ के नॉर्मली अपने फ्रंट हेयर के साथ इस टॉप पोर्शन को किसी भी क्लचर की हेल्प से सिक्योर करेंगे, लाइक दिस। अब मैं आपको इसको बैक साइड से दिखाऊंगी कि किस तरह से ये है। पोज करिए। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से करने के बाद हम ये हेयर एक्सटेंशन लेंगे और इसकी सारी क्लिप ओपन कर लेंगे और नॉर्मली उसको सेंटर से एडजस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। इसको लगाना बहुत ही ज्यादा ईजी है, अपने हेयर की रूट्स में लगाएंगे और इसको टक कर देंगे तो ये ऐसे ही एडजस्ट हो जाएगा। लाइक दिस, और आप देखेंगे कि ये हमारे हेयर में एडजस्ट हो गया है। अब मैं जो रेस्ट ऑफ द हेयर है उनको खोल दूंगी। ये देखिए, अगेन थोड़ा सा और टॉप से सेम वही प्रोसीजर में जो पहले किया था। ये देखिए, इस तरह से हमें अपने हेयर को सेपरेट करना है। जब आप मिरर में देख करके करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा दोस्तों। मैं जस्ट रेंडमली करके आप लोगों को दिखा रही हूं कि किस तरह से एक्सटेंशन यूज करना है। पॉज करें वीडियो। तो आप देखेंगे मैंने अगेन इसको सेपरेट कर लिया है दोस्तों। फिर सेकेंड वाला हेयर एक्सटेंशन लेंगे और सेंटर से इसको आप एडजस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, लाइक दिस। दोस्तों इसको लगाना जो है वो बहुत ही ज्यादा इजी है। और अब हम अपने फ्रंट से हेयर को ओपन कर लेंगे। ये देखिए, मैंने दोनों ही हेयर एक्सटेंशन अपने हेयर में अप्लाई कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो रहा होगा कि मेरे हेयर की वॉल्यूम जो है वो कितनी ज्यादा हो गई है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे हेयर की वॉल्यूम ठीक है तो ये बहुत ज्यादा लग रही होगी, लेकिन जिसके हेयर बहुत हल्के हैं उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है कि हम डबल एक्सटेंशन कैसे यूज करें। ये देखिए, सो बहुत ही ज्यादा वॉल्यूमिनस आपके हेयर हो जाएंगे, प्रॉब्लम कोई भी नहीं आती है दोस्तों, बहुत इजीली लगा सकते हैं आप इसको। सो इस तरह से हम डबल एक्सटेंशन का यूज कर सकते हैं, प्लस कुछ भी हेयर स्टाइल बना सकते हैं। अब अगर हमें पोनीटेल बनानी है तो हम इजीली इनको पकड़ के
पोनीटेल भी बना सकते हैं या फिर चोटी भी बना सकते हैं, कुछ भी हम हेयर स्टाइल इससे बना सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। अगर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और लिंक मैं आपको हेयर एक्सटेंशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप इनको इजिली परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।